नमस्कार दोस्तों, अष्टोराघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की कथा सुना रहे हैं। कथा सुनिए, और ये जो कथा हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, इसमें जो है श्री सत्यनारायण जी की कथा है। और सबसे पहले इसमें स्वस्ति वाचन है, संकल्प है, और किस चीज़ जैसे देवी देवताओं की पूजा करनी है, नवग्रह की पूजा करनी है, वो भी जो है संक्षेप में सारी चीज़ें हैं। और आप कथा को सुनिए। ये कथा बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी दिन शाम को सुन सकते हैं, और एकादशी पूर्णिमा वाले दिन जो है इस कथा को सुन सकते हैं। वैसे तो विष्णु भगवान जी की कथा कभी भी सुने, लाभ होगा। नारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु भगवान की जय। नारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु भगवान की जय। ओम, चलो स्नान कराओ गणेश जी को पान के पत्ते से। आस्नानम जलम समर्पयामि ओम हरि ओम। शुक्लाम वरद्रम देव प्रसन्न वदनम ध्यायते सर्वविघ्नो शांते। ओम स्नानम, बस ये लो बस्ता चढ़ाओ। ओम श्री वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि मंगल सूत्रम तिलक लगा दो। गंधम तिलकम चावल अक्षतम अक्षतानिं समर्पयामि नवेदम वेदांतम समर्पयामि ओम हरि ओम। मिष्ठानम नवेदम वेदांतम समर्पयामि ओम हरि ओम। ओम श्री मिष्ठानम जलम समर्पयामि ओम हरि ओम। चलो ओम मिष्ठानम जलम समर्पयामि, जल छीट दो थोड़ा सा। पुनर्जन्मास्मिनम समर्पयामि, धूप दीप दिखाओ। धूपम दीपम अग्र्यामम धूपम दीपम दृश्यामि शुक्लाम ध्यायते सर्वविघ्नो शांते। सभी का हाथ लगा करके फल चढ़ाओ। ऋतु फलम समर्पयामि ओम हरि ओम, चढ़ा दो बीच में। ओम श्री गौरी माता का ध्यान करो। नमो देवे महादेवे शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृति भद्राय निहतापनीतास्मिताम श्री गौरी देवे नमः। चढ़ाओ स्नान करो। स्नानम जलम समर्पयामि, गौरी माता को स्नान कराओ। ओम स्नानम जलम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ा दो। ओम श्री वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि मंगल सूत्रम समर्पयामि तिलक लगा दो। गंधम तिलकम अक्षतम अक्षतान थोड़ा चावल अक्षतम अक्षतानिम समर्पयामि नवेदम वेदांतम समर्पयामि शुक्लाम वरद्रम देवम प्रसन्न वदनम ध्यायते सर्वविघ्नो शांते। ओम हरि ओम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीतास्मानम प्राणो महासाम नमामि रामम रघुवंशनाथम कारुणाय रूपम कणाकंतम श्रीरामचंदम शरणं प्रवद्धे। ओम श्री रामचंद्रम शरणं प्रदे। ओम श्री वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि मंगलसूत्रम चढ़ाओ। मंगलसूत्रम समर्पयामि चढ़ा दो। ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्यायते सर धूप दीप दिखाओ। धूपम दीपम अग्र्यामम धूपम दीपम निष्ठान चढ़ाओ। नवेदम वेदांतम समर्पयामि जल छीट दो। पुनर्जन्म आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम हरि ओम। श्री ऋतु फलम समर्पयामि शुक्लाम नम ध्यायते सर्वविघ्न शांते। ओम हरि ओम। ओंकार भोलेनाथ का ध्यान करो। वंदे देव उमापतम सुरगुरम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे वृष्णावतम वंदे सूर्य शशांक वैनानयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाचरम च वंदे शिवम शंकरम। चढ़ाओ।
ओम श्री भस्म भस्म स्वर्पयामि आवाहनम पूजयामि स्नान करा दो भोलेनाथ को अस्नानम जलम समर्पयामि वस्त्र चढ़ाओ वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि ओम हरिम तिलक लगा दो गंधम तिलकम अष्टमक्तानि समर्पयामि चावल अष्टमक्तानि समर्पयामि ओम हरि ओम सुखा ऐसे धूप दीप दिखाओ धूपम दीपम अग्रामम ओम श्री नव वेदम निदानतम समर्पयामि जल छिड़ दो पुनज नमाज मनियम जलम समर्पयामि ओम हरि ओम श्री बस चढ़ा दो ओम श्री ऋतु फलम समर्पयामि ओम श्री महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माता से प्रार्थना करो कि हे माता हमारे घर में स्थिर भाव में रहना। लक्ष्मी के 8 रूप हैं उसमें से हमने वैभव लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी का ध्यान करना है। चढ़ाओ ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्नानम जलम समर्पयामि वस्त्र चढ़ाओ वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि ओम श्री मंगल सूत्रम समर्पयामि तिलक लगा दो गंधम तिलकम अष्टमक्तानि चावल थोड़ा सा अष्टमक्तानि समर्पयामि ओम धूप दीप चढ़ाओ धूपम दीपम अग्रामम धूपम दीपम दृश्यामि शुक्लाम नम ध्यायतु सर्व विघ्नो शांति ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सभी खाद लगो ओम श्री ऋतु फलम समर्पयामि ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तीन देवियों का ध्यान कर लो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती चढ़ाओ ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः ओम श्री नौ दुर्गा देवे नमः तीन देव का ध्यान कीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः विष्णुवे नमः शंकराय नमः ओम श्री शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभम सुरेशं विश्वाधारम गगन सदृशं मेघवर्णं शुभां गम्यं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्धां गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरनं सर्वलोकैकनाथं वस्त्र चढ़ाओ वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि मंगल सूत्रम समर्पयामि गंधम तिलक लगाओ गंधम तिलकम अष्टमक्तानि चावल थोड़ा सा अष्टमक्तानि समर्पयामि नवेदम वेदांतम समर्पयामि ओम श्री मिष्ठानम जलम समर्पयामि जल छिड़ दो पुनज नमाजमनियम जलम समर्पयामि धूप दीप दिखाओ धूपम दीपम अग्र्यामम धूपम दीपम दृश्यामि शुक्लाम नम ध्यायतु सर्व विघ्नो शांति ओम हरि ओम चढ़ा दो ओम श्री शुक्लाम वरधरम देवम प्रसन्न बदनम ध्यायतु सर्व विघ्नो शांति वासुकी देवता अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान कर लो जो घर में पूजे जाते हैं वासुकी देवता कुल देवता देवता नाग देवता भुनमा इंचड़ स्नान करो स्नानम जलम समर्पयामि ओम स्नानम जलम समर्पयामि वस्त्र चढ़ाओ वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि मंगल सूत्रम समर्पयामि तिलक लगा दो गंधम तिलकम अक्तम चावल थोड़ा अष्टम अक्तानि समर्पयामि धूप दीप दिखाओ धूपम दीपम अग्र्यामम धूपम दीपम दर्शयामि ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्यायतु मिष्ठानम नव वेदम वेदांतम पुनर्जन्माजमनियम जलम समर्पयामि ओम हरि ओम शुक्लाम वरधरम देवम प्रसन्न बदनम ध्यायतु सर्व विघ्नो शांति ओम हरि ओम ये लो ये ऐसे दे दो हाथ लगा के इनको दो ये लो ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्यायतु सर्व विघ्नो शांति दो उधर लो ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्यायते हो सर्व विघ्न शांति यहाँ रखो दे दो इनको बच्चे ओम हरि ओम ये दूसरे हाथ में रखो दूसरे हाथ में ओम हरि ओम शुक्लाम वरधरम देवम प्रसन्न वदनम ध्यायते हो सर्व नौ ग्रहों का ध्यान करके चढ़ाना ओम रांग रिंग रूम सा शिशु नारायण देवाय नमः ऐसे चढ़ाओ ना ऐसे उठाओ ओम रांग रिंग रूम सा शिशु नारायण देवाय नमः ये नौ ग्रहों को थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाना है ओम श्रांग सिंह सुन सा श्री चंद्रमसे नमः क्रांग क्रिंग रूम सा श्री भौमाय नमः ब्रांग रिंग रूम सा श्री बुद्धाय नमः ग्रांग रिंग रूम सा श्री गुरुवे नमः द्रांग रिंग रूम सा श्री शुक्राय नमः प्रांग प्रिंग रूम सा श्री शनिचराय नमः ब्रांग रिंग रूम सा श्री राहुवे नमः श्रांग सिंह सुन सा श्री केतुवे नमः सूर्यादिक नवग्रादिक देवता गुणमा ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुता बुधसा बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु स्नान करो स्नानम जलम समर्पयामि ओम श्री सूर्यादिक नवग्रादिक देवता गुणमा स्नानम जलम समर्पयामि वस्त्र वस्त्रम समर्पयामि मंगल सूत्रम तिलक लगाओ गंधम तिलकम अष्टमक्तानि समर्पयामि चावल अष्टमक्तानि समर्पयामि नवेदम वेदांतम समर्पयामि धूप दीप दिखाओ धूपम दीपम अग्र्यामम ओम हरि ओम मिष्ठानम जलम समर्पयामि जल थोड़ा सा छिड़ दो ओम श्री जल स्नानम जलम समर्पयामि ओम श्री मिष्ठानम जलम समर्पयामि नवेदम वेदांतम समर्पयामि शुक्लाम नम ध्यायतु सर्व विघ्नो शांति चढ़ा दो
ओम हरि ओम शुक्लानंद ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति पंचलोकपाल देवता का ध्यान करो। ओम श्री पंचलोकपाल देवता भुनमा ओम आवाहन पूजयामि स्थापयन समर्पयामि स्नान करो स्नानम जलम समर्पयामि स्नान प्रांते वस्त्रम समर्पयामि मंगलसूत्रम समर्पयामि चढ़ाद। ओम श्री वस्त्रम समर्पयामि तिलक लयो गंधम तिलकम अक्तमक्तानि समर्पयामि तोर शुक्लानंद ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति धूप दीप दिखाओ धूपम दीपम अग्र्यामम। ओम श्री नव वेदम वेदांतम समर्पयामि मिष्ठानम जलम समर्पयामि पुनर्जन्मात्मनियम जलम समर्पयामि। ओम हरि ओम श्री तुफलम समर्पयामि शुक्लानंद ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति। ओम हरि ओम हनुमान जी का ध्यान कर लो। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनजुवन किसानम ज्ञान नामा गगनम सकल गुण निधानम वाराणानाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम श्री पवन पुत्राय श्री हनुमते नमः। ओम स्नान कराओ स्नानम जलम समर्पयामि। ओम श्री वस्त्र चढ़ाओ वस्त्रम समर्पयामि मंगल सूत्रम समर्पयामि। ओम हरि ओम तिलक लगा दो गंधम तिलकम अष्टमक्तानिम समर्पयामि चावल थोड़ा सा। ओम श्री नौ वेदम वेदांतम समर्पयामि मिष्ठानम जलम समर्पयामि जल शीर दो पुनर्जन्मात्मनियम जलम समर्पयामि धूप दीप दिखाओ धूपम दीपम अग्र्यामम धूपम दीपम दर्शयामि। ओम या देवी सर्वभूते ज्योत को चढ़ाओ ज्वाला मैया ध्यान करो। ओम या देवी सर्वभूते ज्योति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः ऐसे स्नान करो। स्नानम जलम समर्पयामि पत्ता ले लो पत्ते से घुमाओ तीन बार। स्नानम जलम समर्पयामि ओम श्री वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि हाथ लगाओ। ओम श्री मंगल सूत्रम समर्पयामि ओम हरि ओम। ओम श्री वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि मंगल सूत्रम समर्पयामि ओम श्री गंधम तिलक लगाओ तीन। ओम श्री गंधम तिलकम अस्तमक्तानि समर्पयामि ओम श्री चलो ओम श्री अक्तमक्तानि समर्पयामि ऐसा कर दो। धूपम दीपम अग्र्यामम धूपम दीपम दर्शयामि बीच में डाल देना। ओम श्री मिष्ठानम नव वेदम वेदांतम समर्पयामि जल छिटो पुनर्जन्मात्मनियम जलम समर्पयामि। ओम हरि ओम शुक्लानंदम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति चढ़ा दो। ओम हरि ओम शुक्लाम भद्रम दिवम प्रसन्न वदनम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति। ओम हरि ओम सिक्का निकाल लो एक रुपये का। ओम हरि ओम शुक्लाम ये हाथ में लो थोड़े थोड़े सारे। ओम हरि ओम शुक्लानंदम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित अम्बागम पाड़ो महासाव नमामि रामम रघुवंशनाथम ऐसे करो हाथ लगाओ। ओम श्री ऐसे हाथ लगाओ हाथ लगाओ। वरुण जी का ध्यान करो क्योंकि इसमें जो है चार वेद गंगा जमुना सरस्वती सात सागर सात समुंदर सभी तीर्थों का इसके अंदर वास होता है। किसी प्रकार का विघ्न बाधा हो तो अपने अंदर खींच लेता है। सबने हाथ लगाना। ओम हरि ओम शुक्लानंदम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति। ओम श्री वरुण जी का ध्यान करो। ओम ऋग्वेदाय नमः श्याम वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः अथर्वेदाय नमः कलश कुंभाय नमः गंगाय नमः जमुनाय नमः सत्सागर भुवन नमः कलश मध्य तिथो ब्रह्मा कलश मध्य तिथो हरि कलश मध्य तिथो श्री वरुण देवताभ्यो नमो नमः इसी मंदिर डाल दो। ओम हरि ओम शुक्लानंदम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति। इसमें दो दो जगह तिलक करो और 200 रुपया निकालो पितरों का रख के बांधो एक इधर ये लो कलहा। ओम हरि ओम शुक्लानंद ध्यायतो इसमें ना 100-100 रुपये बांधो दोनों में इसमें बांधो पैसे तब इसमें बांधो। ओम हरि ओम शुक्लाम ब्रह्म ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति। नीलांबुश्याम कोमलांगम सीता समारोपित अम्बागम पाणो महासाजाम रघुवंशनाथम कर्णाधिपम कणाकंतम श्रीराम चंदम सनम प्रवधे। वो कागज में उसमें बांधो ना कलावे में बांधो होली में बांधो इसको। अपने पितरों का ध्यान करो एक लेडीज एक जेंट्स का होता है ये इसमें बांधो 100 रुपये उसमें भी 200 बांधो भी लो। ओम हरि ओम शुक्लानंदम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति। नीलांबुश्याम पाणो महासाजाम कर्णारूपम कणाकंतम श्रीरामचंदन सनप्रदे इसमें रखे अब इसको रखो ऐसे पकड़ो। ओम हरि ओम शुक्लानंदम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांति। नीलांबुश्याम कुलाम पाणमासम नमामदंतम कर्णारूपम कणाकंतम श्रीरामचंदन सनप्रदे। अपने ना सभी पितरों का ध्यान कर लो क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही सब कुछ मिलता है। तो उनका ध्यान करो किसी प्रकार का विघ्न बाधा हो वो जो है दूर करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से जो है प्रार्थना करो। विष्णु भगवान जी का ध्यान कर लो। ओम हरि ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणि धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् सकल मनोरथ सिद्धार्थी भूले चुके किसी प्रकार का कोई भूल चूक हो उसके लिए जो है
प्रार्थना कर लो ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्याय त्यो सर्व विघ्नो शांति ओम हरि ओम। मथे लगाओ दोनों भुजाओं में हृदय में, सभी ऐसे करना। अपने दादा परदादा का सभी का ध्यान कर लो, विष्णु भगवान जी का ध्यान करो, चल लगाओ देव उनको। ओम हरि ओम शुक्लाम भरद्रम देव प्रसन्न बदनम ध्याय त्यो सर्व विघ्नो शांति नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता स्मरूपितम भागम पाणो महासाचार्यम नमामि रामम रघुवंशनाथम कर्णार्पम कणाग्रंथम श्री रामचंद्रम शरण प्रवदे। इसमें जो कृपा सिक्का डाला है बाद में उसको निकाल लेना है, और उसको निकाल के अपने जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रखना है, ठीक है। ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति ओम हरि ओम। इसमें ना थोड़ा सा जल छीटो, इससे जल छीटो। ओम स्नानम जलम समर्पयामी, ओम हरि ओम स्नानम जलम समर्पयामी, वस्त्रों वस्त्रों समर्पयामी मंगल सूत्रम। एक ना कलावा बांधे इसमें, ओम हरि ओम कलश में कलाव बांधे। ओम हरि ओम शुक्लांगम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक जारु जापम नमामि रामम रघुवंशनाथम करुणाय रूपम कणाग्रंथम श्रीरामचंद्रम। बस ऐसे बांधो ना उसको, ऐसे लपेट दो। ओम हरि ओम शुक्लांगम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक जाजाम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसके ऊपर ओम हरि ओम शुक्लाम भरद्रम देव प्रसन्न वदनम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति ओम हरि ओम। हाथ लगा दे। ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति ओम श्री नव वेदम वेदांतम समर्पयामी। ऐसे कर दो, धूपम दीपम अग्र्यामम धूपम दीपम दर्श्यामी ओम श्री नव वेदम वेदांतम समर्पयामी। यहाँ चढ़ा दो, जल छीट दो इससे। ओम असी निष्ठानम जलम समर्पयामी ओम हरि ओम शुक्लाम भरद्रम देव प्रसन्न वदनम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति ओम हरि ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मन पाणो महासम नमामि रामम रघुवंशनाथम कर्णार्पम कणाग्रंथम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रवदे। ओम हरि ओम, ये सारे हाथ लगा करके भगवान को चढ़ा दो। ओम हरि ओम शुक्लाम भरद्रम देव प्रसन्न वदनम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति ओम हरि ओम। ये पान सुपारी बस रख दो, मेवा वाला है, मेवा मिला था कि नहीं। ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति, मेवा मिला था कि नहीं, ये लो पकड़ो। बिल्कुल मिला था, यही ये चरणा में तुम्हें भी डालना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये गणेश जी को चढ़ा दो पहले, सारे हाथ लगाओ सारे, चढ़ाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुवन का भोग लागे संत करें सेवा। बोलो गणेश जी महाराज की। ये गौरव माता को तीन चुटकी सिंदूर आप चढ़ाओ। ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति लो माता को चढ़ा दो, और जो इसमें हाथ में लगा होगा फिर उसको ना मांग में लगा लेना। पकड़ो दूसरे हाथ में रखो, हाथ में रखो, चढ़ाओ इससे, चढ़ाना ऐसे उंगली ना, वो उंगली लगाने नहीं ऐसे, इससे हाँ इससे चढ़ाओ। ओम हरि ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सत्यम नमः नमो प्रकृति भद्राय नेतापताम ओम श्री गौरी देवे नमः। मांग में लगा लो बस, वही जो बचा हुआ है ना मांग लगा। ओम श्री गौरी देवे नमः शुक्लाम भरद्रम देवम प्रसन्न वदनम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति। हाथ आगे करो, कलावा बंधाओ, पुराने को निकाल दे, हाँ निकाल दे, निकाल देना ये लो। ओम दीन बंधु बलि राजा दान मिंद्रो महावला श्री रक्षावान चलवान चल सर्व मनोकामना सिद्धि सुख समृद्धि रक्षाताम शुक्लाम भरद्रम देव प्रसन्न वदनम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति ओम हरि ओम। ओम हरि ओम शुक्लाम नम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति। ओम दीन बंधु बलि राजा दान इंद्रो मामला श्री रक्षा मांचल मांचल सर्व कल्याण सर्व मनोकामना धरति रक्षाताम शुक्लाम भरद्रम देव प्रसन्न वदनम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति। बच्चे थोड़ा ऊपर करो बस, थोड़ा सा बस। ओम हरि ओम शुक्लांगम ध्याति ओ सर्व विघ्नो शांति नीलांबुज श्यामल कोमलांगम पाणो महासम नमामि रामम रघुवंशनाथम कर्णार्पम कणाग्रंथम श्रीरामचंद्रम।
सरम प्रबद्धे ओम हरि ओम शुक्लां वरद्रम देवं प्रसन्नवद्रम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांते हेन बंधो बलि राजा दान मिंद्रो महाबलासी रक्षा मांचल मांचल सर्व मनोकामना सिद्धार्थी सुख समृद्धि रक्षताम शुक्लां नम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांते। कुछ पैसे थाली चढ़ा देना और इधर भगवान को चढ़ा दो वेदी पर, और इसमें बस चढ़ा दो। ओम हरि ओम शुक्लां नम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांते जोड़ लो। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम शुक्लां नम ध्यायतो सर्वविघ्नो शांते नीलां श्यामकुलां पाणमासं नमामि तं कर्णं त्वं कणाकान्तं श्रीरामचन्द्रं सर्वं प्रवदे। ओम हरि ओम लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु भगवान की जय। श्री सत्य नारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय हरिकथा सुतोवाच महामुनि व्यास जी ने कहा कि बहुत समय पहले निमसारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। जब सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा तो सूत जी इस कलयुग में मनुष्य वेद विद्या से रहते हैं, इनको प्रभु की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी, इनका उद्धार कैसे होगा, इसीलिए मनुष्येष्ठ कोई ऐसा व्रत कहिए, कोई ऐसा तप कहिए जो थोड़े समय में किया जा सके, मन वांछित फल मिले, ऐसी कथा हमारी सुनने की इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, कल्याण की बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण ये कथा जो है ध्यान देकर के सुनिए। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल होए महा सुखदाई, भोताप हरे मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कठोर में होते सहाई, भगवान महात्म है इसमें अपना कल में फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण के हेतु अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए एक समय मृत लोक में आ पहुंचे। बहुत सी योनियों में जन्मे हुए प्रायशी मनुष्यों को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार अपने कष्टों के द्वारा वो पीड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार से देखा किन मनुष्यों का जो दुख है कष्ट है इसका निवारण कैसे हो सकेगा, ऐसा मन में विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक को चले गए और वहाँ श्वेत वर्ण वाले चार भुजा वाले देवों के इस नारायण को देखा जिनके हाथ में चंक चक्र गदा और पदम थे, विष्णु भगवान जी गले में वरमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि भगवान आप जो है अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी आपके भेद को नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत नहीं, आप निर्गुण स्वरूप हैं और शिष्टाद्भुत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे योगी राज जी, आपके मन में क्या है, आपका किस कार्य के लिए यहाँ पर आना हुआ है, निसंकोच होकर के कहिए। तब मुनि श्रेष्ठ ने कहा, नारद मुनि ने कहा
कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया दृष्टि रखते हो तो बताइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया दृष्टि रखते हैं तो बताइए, इन मनुष्यों की सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, और जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है उसका वर्णन मैं तुम्हारे से करता हूँ, सुनिए। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक में दोनों में बहुत ही दुर्लभ अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुम्हारे से प्रेम बस होकर के वर्णन करता हूँ। श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का व्रत विधि पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर समस्त सुख भोग करने के बाद में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है, और इस व्रत को किसने किया है, किस दिन करना चाहिए, ये सारी जो है विधि हमारे को समझाइए, हमारे को सब कुछ बताइए, विस्तार से कहिए। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे नारद मुनि, ये कथा जो है दुख शोक सभी प्रकार के आदि व्याधि जो है उसको दूर कर देता है, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि श्रद्धा और भक्ति परमात्मा के प्रति रखनी चाहिए, तो किसी भी दिन वैसे कथा सुनी जा सकती है। पूर्णिमा वाले दिन बहुत अच्छा होता है, एकादशी वाले दिन बहुत अच्छी कथा हो जाती है, क्योंकि ये जो तिथियां होती हैं विष्णु भगवान जी की मानी गई हैं। मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की कथा सुने, ब्राह्मण को बुलाए और अपने भाई बंधुओं को बुला करके पूजन करें, भक्ति भावना से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा लीजिए। अगर गेहूं का आटा नहीं मिल रहा है, उसका अभाव है, सूजी नहीं मिल रही है, तो साठी नाम का एक चूर्ण होता है, उसको भी लेकर के भगवान का प्रसाद बना सकते हैं। इन सभी को भक्ति भावना से भगवान श्री सत्यनारायण जी को अर्पित करें और अपने भाई बंधुओं सहित जो है ब्राह्मण को भोजन कराएं, और इसके साथ ही स्वयं जो है भोजन करिए। रात्रि में श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का ध्यान करके गीत आदि का आयोजन करें, श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का ध्यान करें, उनको स्मरण करें, सारी रात जो है जागरण करें। इस तरह से जो भी मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। विशेष करके कलयुग में मृतलोक में एक ऐसा उपाय है जिसे बहुत ही कम समय में और जो है कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम कुंडलीकांक्षा मंगलायम तनोहरि। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। महान संत श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत कथा पूजा को किया है उसका इतिहास मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। अति सुंदर काशीपुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वो भूख प्यास से बेचैन होकर के हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने उनको जब एक दिन बहुत दुखी देखा, एक दिन खुद बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन के पास जा करके बड़े आदर के साथ पूछा, यही ब्राह्मण तुम हर समय जो है दुखी क्यों रहते हो, दुखी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो, मैं तुम्हारे दुख को सुनना चाहता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे हुए उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे कोई पाने की कोई मुक्ति जानते हो, उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान जी तब बोले कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी जो है मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण तुम उन्हीं का पूजन करो और जिसके करने से मनुष्य सभी दुख से मुक्त हो जाता है। निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है, मैं उसको अवश्य ही करूँगा, विधि विधान के साथ में करूँगा, ऐसा निश्चय करके वो निर्धन ब्राह्मण अपने घर को चला गया। परंतु उस रात उसे उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई, भगवान के ध्यान में रहा। अगले दिन जल्दी उठ करके उसने श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी के व्रत का निश्चय किया और भिक्षा मांगने के लिए बाहर चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला और उसने जो है भगवान का जो पूजन का सारा सामान था जा करके बाजार से उसने खरीदा। घर आकर के अपने भाई बंधुओं के साथ में विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया और इसी के करने से वो गरीब ब्राह्मण हर प्रकार के कष्टों से छूट करके अति धनवान हो गया, संपन्न हो गया। उसी समय से वो ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। जब भी पुण्यातिथि आती श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का पूजन किया करता था। श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी के इस व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान से भी कष्टों को हर लेते हैं, वो सभी प्रकार के कष्टों को छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का व्रत करेगा वो सभी जो है स्थानों पर विजय प्राप्त होगी उसे और सभी प्रकार के कष्टों से वो छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी से श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का व्रत कहा हुआ मैंने आपको कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब और आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहिए। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने व्रत कथा पूजा को किया है वो हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मुनियों ने ऐसा सुन करके सूत जी ने कहा कि हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा मैं सुनाता हूँ। और एक समय वही धनी ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं के साथ में शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहा था और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया और उसने जो है अपने सिर पर गठरियों का जो है रखा हुआ था, लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। बूढ़ा लकड़हाराया उसने अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था और उसी गट्ठर को बाहर उसने रख दिया और खुद जो है ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने ब्राह्मण को जब व्रत करते हुए देखा वो भूख प्यास भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया, स्वागत किया, पूछा कि हे ब्राह्मण, आप किस देवी देवता का पूजन करें, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि ये तो सभी मनोकामना को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ आज धन ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामृत लिया, प्रसाद ग्रहण किया, भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने जब अपने मन में संकल्प लिया कि आज मैं गांव में जो लकड़ी बेचने जाऊंगा उससे मेरे को जो धन की प्राप्ति होगी मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी के व्रत को करूंगा, पूजन को करूंगा, कथा सुनूंगा, इस प्रकार से उसने अपने मन में संकल्प कर लिया। जब ऐसा उनके मन में विचार आया, संकल्प कर लिया,
लकड़हारा जो है लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख करके घूमते फिरते ऐसे नगर में पहुंच गया जहां पर धनवान सेठिया रहते थे। जब ऐसे सुंदर नगर में गया उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला, तब वो बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि जो है भगवान की पूजन की समस्त सामग्री को लेकर के अपने घर को आया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधान के साथ में भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया और कथा सुना। उसी व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से संपन्न हो गया और जब तक इस संसार में रहा तब तक समस्त सुख भोग करने के बाद में अंत समय आने पर वैकुंठ लोक धाम को चला गया। ये तो श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम कुंडली कांचम ओम श्री मंगलायम तनोहरि। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण व्रत कथा हम तृतीय अध्याय हरि कथा सूतोवाच। श्री सूत जी तब बोले कि हे शेष मुनियों, अब आगे की कथा तीसरे अध्याय की कथा महात्म का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुखर नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वो जितेंद्रिय था, सत्य वक्ता था, प्रतिदिन मंदिरों में जाता था और गरीबों को धन देकर के उनके दुख दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती और साध्वी थी। नदी के किनारे एक बार जो है भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का पूजन किया, विधि विधान के साथ में श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया और वहीं पर कथा सुनी। उसी समय वहां पर एक साधु नाम का बनिया आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। साधु बनिया नाव को किनारे ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर बड़े विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, आप ये किस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे समझाइए। महाराज उल्का मुख ने कहा कि हे वैश्य, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन करके साधु नामक बनिया बड़े आदर के साथ कहने लगा कि हे राजन, मुझे भी इसका विधान समझाइए, बताइए कि मैं भी आपके कहे के अनुसार इस जो है कथा पूजा को करवाना चाहता हूँ और मेरे कोई संतान नहीं और मेरे को ऐसा विश्वास होता है कि इसके करने से मुझे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का समस्त विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर साधु बनिया सुखपूर्वक अपने घर को आया और उसने अपने पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण कर लिया कि जब हमारे यहाँ कोई संतान होगी तब इस व्रत कथा पूजा को करेंगे। वैसे ने इस प्रकार से अपनी पत्नी लीलावती से ये सब बताया, कथा के बारे में समझाया। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की कृपा से गर्भवती हो गई। दसवें महीने में उसके एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या दिन दिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान
श्री सत्यनारायण जी के व्रत का संकल्प किया हुआ था, अब आप उसे कीजिए। अब उस संकल्प को आप पूरा कीजिए जो आपने किया हुआ था। वैसी ने कहा कि हे प्रिय, मैं अभी कलावती के विवाह पर इस कथा पूजा को करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैं पूजन नहीं करवा सकता हूँ। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दिया वो व्यापार करने के लिए बाहर चले गए। कलावती पिता के घर में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो गई, सयानी हो गई, और जब साधु बनिया लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सखियों के साथ खेल रही है और बड़ी हो गई है। विवाह की चिंता हुई, कन्या बड़ी हो जाए, पिता को विवाह की चिंता होती है, विवाह की चिंता हुई। उसने एक दूत को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख करके ले आइए। दूत जो है साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पा करके कंचनपुर नगर पहुंच गए। देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग बड़ी पुत्र को ले आए। उस सुयोग लड़के को देख करके साधु नामक वैश्य अपनी जो है भाई बंधुओं को बुलाया और प्रसन्नचित होकर के प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वो विवाह के समय में श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी के जो कथा का पूजन का संकल्प लिया हुआ था वो नहीं किया। इस प्रकार भगवान बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। फिर वो अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित नाव का बेड़ा लेकर के व्यापार करने के लिए चले गए। व्यापार करने के लिए जब गए रतनसारपुर नगर में पहुंच गए। रतनसारपुर नगर में राजा चंद्र केतु नामक एक राजा था, वही राज कर रहा था। दोनों ससुर जमाई जब राजा चंद्र केतु के राज्य में पहुंचे, उन्होंने राजा चंद्र केतु से आज्ञा लिया और उनके राज्य में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके शीघ्र ही लिए जा रहा था। राजा के दूतों को आता हुआ देख करके चोर ने घबरा कर भागते भागते धन को ही चुपचाप रख दिया, जहाँ पर वैसे जो है अपने जमाई के साथ में ठहरे हुए थे। और जब राजदूत वहाँ पहुँचे और राजा के धन को उनके पास रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध करके ले गए। और जब राजदूतों ने उनको बांध करके ले गए, राजा के सामने पेश कर दिया, राजा को बताया कि यह जो है अपने खजाने से इन्होंने धन चुराया है। राजा ने भी जो है उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको कठिन कारावास में डाल दिया। इस प्रकार से राजा की आज्ञा से जब उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया, उनका सारा धन राजा ने छिनवा लिया श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी के साप के कारण। उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनका जो सारा धन रखा हुआ था, सारा धन चुरा करके ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा में भूख प्यास से सेहत दुखित होकर के भोजन की आस में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। उसने देखा श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की कथा पूर्वक हो रही है, कथा पूजा हो रही है। तो इस प्रकार से शाम का समय था, श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की जब कथा पूजा हो रही थी ऐसा देखा, वहीं बैठ गई, कथा सुनी, श्रद्धापूर्वक भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। काफ़ी रात बीत गई तो घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ रही? तुम्हारे लिए मैं बहुत ही चिंतित थी। माता के शब्द सुन करके कन्या कलावती जो है बोली कि हे माता, मैं आज एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ पर देखा श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की कथा पूजा हो रही है और मेरी भी कथा सुनने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुन करके श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की जो है पूजन की तैयारी उसने कर दिया, सारा सामान ले आई। उसने अपने सभी भाई बंधुओं को भी बुलाया, श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का व्रत किया, पूजन किया, वर मांगा कि मेरे पति और दामाद व्यापार करने के लिए गए हैं, बहुत दिन हो गया, उनका कोई हाल पता नहीं मिला। साथ ही विनती किया, प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारे जो है पति और जमाई जल्दी ही लौट आए, ऐसा मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ।
और कहने लगे कि अगर हमारे से किसी प्रकार की भूल चूक हो गई है तो उसके लिए हमारे को क्षमा कीजिए। भगवान बहुत ही दयालु हैं। श्री सत्यनारायण स्वामी इस प्रकार से प्रार्थना से, इस प्रकार के व्रत करने से प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया और जा करके भगवान खुद स्वयं राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुमने जो दोनों बनिया को बंदी बना रखा है वे दोनों निर्दोष हैं, उन्हें जो है प्रातः काल होते ही छोड़ दो। जो तुमने उनका धन अधिग्रहण कर लिया लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा धन राज पुत्र सब कुछ जो है नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और फिर जब राजा को ऐसा भयानक स्वप्न आया, राजा जो है सारी रात सो नहीं सका, सवेरे उठते ही सभी मंत्रियों को बुलाया और अपना दरबार लगाया तो सभी सैनिकों को आज्ञा दिया कि दोनों वैश्य जो हैं जेल में बंद कर रखा है उनको दरबार में लाया जाए, ऐसा जो है उन्होंने आदेश किया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया तो राजा जो है बड़े कोमल वचनों में कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें ज्ञानता के बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हो गया है, अब तुम्हें कोई भय की बात नहीं है, तुम आज के बाद में मुक्त हो गए हो। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन ले लिया था उससे दोगुना धन लौटा करके बड़े आदर के साथ विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकांक्षायाम ओम श्री मंगलायम तनोहरि। ओम श्री शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वायारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगमम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगविधान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकेकनाथम सर्वलोकेकनाथम। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय हरि कथा सुतवाय। सूत जी ने आगे कहा कि वैश्य ने अपनी यात्रा आरंभ कर दिया, अपने नगर की तरफ चल दिए। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर डंडी भेदधारी श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी ने उनसे परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा कि हे साधु बनिया, तुम्हारे नाव में क्या है। मानी बनिया हंसता हुआ बोला कि हे डंडी स्वामी, आप तो साधु महात्मा हो, आपको तो भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि किसी के पास अगर धन आ जाता है उसके साथ जो है अहंकार भी आता है। तो साधु बनिया को काफ़ी धन मिल चुका था तो वो जो है ऐसी भाषा बोलने लगे और कहने लगे कि हे डंडी स्वामी, आप तो परमात्मा का भजन कीजिए, आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं कि आपके जो है इसमें क्या है, खजाने में क्या है, हमारे पास क्या है, क्या धन लेने की कामना है। आपको तो भगवान का भजन करना चाहिए, आपके लिए तो सोना चांदी हीरा मोती ये सब मिट्टी के समान है। इस प्रकार से जो है समझाने लगे वो साधु बनिया, कहने लगे मेरी नाव में तो कोई खजाना नहीं है, कोई इसमें हीरा जवाहरात नहीं है, इसमें तो हमने बेल पत्थर भरे हुए हैं। वैसे के ऐसे वचन सुनकर के डंडी स्वामी ने कहा, श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी बोले कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य होगा। ऐसा कह करके वहाँ से चले गए और कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए।
दंडी महाराज के जाने के बाद में, वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद, निवृत्त होने के बाद में नाव को ऊंची उठी देख करके अचंभा किया। नाव को खोल करके देखा तो उसमें बेलपत्र आदि भरे इस प्रकार से जमीन पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। मूर्छा खुलने पर बहुत शोक प्रकट करने लगे। तब उसके दामाद ने कहा कि आप जो है बेकार के शोक नहीं करें, ये जो दंडी महाराज आए थे ये उन्हीं का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। अगर वह कहीं मिल जाए हमारे को तो वही हमारे दुख को कांत करेंगे। दामाद के वचन सुन करके साधु बनिया जो है दंडी भगवान की तलाश में जो है चल पड़े। आगे जो देखा, भगवान जो खुद दंडी स्वामी का रूप धारण किया हुआ था बैठे समाधि में नारायण का जप करने लगे थे, तो उन्होंने देखा भक्ति भावना से पश्चाताप करते हुए बोले कि हे ऋषि जी, हे मुनि जी महाराज, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे, झूठे वचन कहे, उसके लिए हमारे को क्षमा कीजिए। ऐसा कह करके साधु बनिया मांस कातुर होकर के रोने लगा। तब वो दंडी भगवान बोले कि हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें कष्ट प्राप्त हुआ है और तुम मेरी पूजा से हमेशा ही विमुख रहा है। तब उस जो है वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की माया किसी के समझ में नहीं आती है, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु, प्रसन्न होइए, मैं आपकी अपने क्षमता के अनुसार पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका में पहले के समान धन भर दीजिए। उसके जो भक्ति से परिपूर्ण वचन जब भगवान ने सुना, श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। और तब ससुर दामाद दोनों नाव पर आकर के देखते हैं तो जैसे पहले उसमें धन संपत्ति सब कुछ जो भरा हुआ था, सारा कुछ भरा हुआ, इस प्रकार से जब देखा विधि विधान के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण जी का, वहीं पर उन्होंने पूजन किया, कथा सुना और उसके बाद में नगर की तरफ चल दिए। जब वो अपने नगर के बहुत नज़दीक पहुंच गए तब उन्होंने एक दूत को अपने घर पर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जा करके उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपनी जमाई से इस नगर के बहुत नज़दीक आ गए। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी और दूत का वचन सुन करके साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ और तुम भी जल्दी जल्दी पूजा पाठ समाप्त करके आ जाना। परंतु जो है कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अज्ञा के कारण श्री सत्यदेव जी रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से उसी पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पा करके रोती हुई चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी और इस तरह से नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख करके साधु बनिया बहुत दुखित हुआ और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानता के बस जो अपराध हुआ है, जो भूल चूक हो गई है, उसके लिए हमारे को क्षमा कीजिए। उसके ऐसे वचन सुन करके सत्यदेव जी भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे वैसी, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि ये घर जाए, घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुन करके कलावती ने घर पहुँच करके भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया, फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद में साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यदेव जी का विधि पूर्वक पूजन किया और जब तक इस लोक में रहे समस्त सुख भोग करने के बाद में अंत समय आने पर मोक्ष को प्राप्त हो गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। चढ़ा दो चला।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम कुंडरी कांचायम ओम श्री मंगलायम तनोहरी शुक्लांबरधरम देवम शशिवरम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम गायत्यो सर्वविघ्नो शान्ते ओम श्री शुक्लांबरधरम देवम शशिवरम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायत्यो सर्वविघ्नोपशान्ते ओम हरि ओम शुक्लांबरधरम देवम प्रसन्नवदनम ध्यायत्यो सर्वविघ्नोपशान्ते ओम नीलांबुज श्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं करुणाय रूपं कणाकंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रवद्धे ओम हरि ओम शुक्लांबरधरं देवं प्रसन्नवदनं ध्यायत्यो सर्वविघ्नोपशान्ते ओम हरि ओम ओम हरि ओम शुक्लांबरधरं देवं प्रसन्नवदनं ध्यायत्यो सर्वविघ्नोपशान्ते ओम नीलांबुजे श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं करुणाय रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंदं शरणं प्रवद्धे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम कुंडरी कांचायम ओम श्री मंगलायम तनोहरि बोलो विष्णु भगवान की जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम कुंडरी कांचायम ओम श्री मंगलायम तनोहरि श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय कथा श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की आप सब ध्यान दे करके सुनिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम कुंडरी कांचायम मंगलायम तनोहरि श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय हरिकथा सुतो आज सूत जी बोले कि हे ऋषिगण में और भी कथा पांचवें अध्याय की कथा महात्म का वर्णन करता हूँ आप जो है ध्यान दे करके सुनिए। सदा प्रजा के लिए चिंतित राजा तुंगध्वज नाम का एक राजा था और उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी के प्रसाद को एक बार त्याग करके बहुत बड़े कष्ट को पाया। एक समय क्या हुआ कि राजा वन में अनेक प्रकार के पशु को मारने के बाद में शिकार करने के बाद में एक वट वृक्ष के नीचे आया और बैठ करके विश्राम करने लगा तो क्या देखता है कि कुछ ग्वाल बाल अपने भाई बंधुओं सहित बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा ने देखा, राजा ने देख करके अभिमान के कारण ना वहाँ पर गया ना दूर से ही भगवान को नमस्कार किया। और जब कथा संपन्न हो गई तो ग्वालों ने सोचा कि राजा जी भी अपने इधर आए हुए हैं, भगवान का प्रसाद इन्हें भी दे देना चाहिए। ऐसा विचार करके जब भगवान का प्रसाद ग्वालों ने राजा के समीप रखा तो राजा जो है प्रसाद को भी छोड़ करके अपने सुंदर नगर को चला गया। वहाँ जा करके उसने सब कुछ नष्ट पाया। उसने जो है फिर समझ गया कि आज हमने जो भगवान के प्रसाद का निरादर किया है, भगवान के भक्तों का अपमान किया है, इसी कारण से सब हो रहा है। तब राजा जो है उन्हीं ग्वालों के समीप गया, जा करके उसी जंगल में उन्हीं के साथ में कथा सुनी और ग्वालों के हाथ से प्रसाद लिया। जो जैसे था पहले वैसे ही हो गया। समस्त सुख भोग करने के बाद में अंत समय आने पर राजा जो है बैकुंठ लोक धाम को चला गया। जो मानो इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करते हैं यानी श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की कथा सुनते हैं, श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की कृपा से उन्हें धन धान की कोई कमी नहीं रहती है।
निर्धन जो होते हैं वह धनी हो जाते हैं, जिन जो बंदी में बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो निर्भय हो जाते हैं वो बंधन से मुक्त होने के बाद में निर्भय हो जाते हैं। जैसे जिसके पास धन नहीं है उसको परमात्मा धन देते हैं, और जो बंधन में बंधा हुआ है उसको मुक्त कर देते हैं, वो निर्भय हो जाता है। जो संतानहीन है, जिनके पास संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। और भी किसी प्रकार की किसी के मन में अगर इच्छा होती है तो भगवान विष्णु जो है घट घट व्यापक है, मन में जानने वाले हैं, तो मन की इच्छा को वो जो है पूरा कर देते हैं, और अंत समय आने पर वो वैकुंठ लोक धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जान लीजिए, जिन्होंने पहले इस व्रत कथा पूजा को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही थोड़े में जो है वर्णन करता हूँ, उसको जो है सुनिए। सदानंद नामक जो ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में संदीपन मुनि के आश्रम में भक्ति किया। श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज से जो राजा दशरथ बने, और श्री रंगनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु नाम के जो बनिया थे उन्होंने जो है राजा साधु नाम के जो बनिया थे वह जो है वैसे धर्मात्मा सत्यप्रिय राजा मुरध्वज बन करके अपने इकलौते पुत्र को आर्य से चीर करके साधु के सिंह को भोजन करा, मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्रु स्वयंभू मुनि बने, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करा करके वैकुंठ को प्राप्त किया, और इस प्रकार से जो है वैकुंठ को प्राप्त किया। अगले जन्म में जगो नाम का निषाद राजा था, जिसने श्री राम जी के चरणों की सेवा करके अपने सभी जन्मों को संवार लिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। साति नारायण स्वामी, साति नारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भयो कलि कारण, दिजी को दर्श दियो स्वामी, दिजी को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्र चूड़क राजा, चंद्र चूड़क राजा, तिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैसी मनोरथ पायो, सरधा तज दीनी स्वामी, सरधा तज सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फेरा स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। सरधा धारण कीनी, सरधा धारण कीनी,
तीन को काज सर ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, स्वामी बन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सती देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री साति नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, साति नारायण स्वामी, साति नारायण स्वामी, जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, कौन पुत्र हनुमान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय, बोल भाई सब संतन की जय, बोल भाई हरि भक्तन की जय। श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान जी की पूरी कथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी प्रकार की आपको कोई कथा सुननी है तो हमारे चैनल पे जो है जा करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस कथा की वीडियो बना करके हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, आप लोग उसे जो है सुन सकते हैं। पूरा कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय।